दिल्ली होते हुए दुबई के लिए जाना है। दुबई में एक जगह है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहां पर भी आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए हमें जाना है। उस मजहब से जो मॉडर्न लिविंग रिलीजन्स में सबसे पुराना है, यानी के हिंदुइज्म। बल्कि उन्होंने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। सनातनी लोग बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नारा लगाते हैं, अपने खुशी में भी दूसरों के दुख और गम को शरीक करते हैं सनातनी। टोका सिविलाइजेशन, गुप्ता सिविलाइजेशन एंड इंडस सिविलाइजेशन, वेरी रिच हिस्ट्री। दुबई के शेख उनके कदमों में जाके बैठे हैं। सर, क्या वजूहत है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों, क्या वजूहत? आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ओरिजिनली जो ओरिजिन आइडेंटिटी या जिसको भी हम कहें वो तो इंडियन ही है, अगर हम इस बात को एक्सेप्ट करें तो। I have no hesitation. मैं बिल्कुल इसमें ना hesitant हूँ, मैं I'm proud. और जिस शख्स को इस बात की नॉलेज होगी वो इस संसार के चक्र से, यानी कि इस लाइफ डेथ और रीबर्थ के चक्र से निकल सकेगा। I can call myself Indian, और हम सदियों से, हजारों सालों से हम इकट्ठे रह रहे हैं। मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। A lot of difference. I have seen और इंडिया बहुत छाया। दुबई पुलिस का यही मैसेज है खास तौर पे पाकिस्तानी भाई के लिए, लगातार 3 साल में जो है आप लोग का नाम जो है एक्सीडेंट में 1 नंबर। ये खुशी का बात नहीं है। इंडिया ने हमारे खिलाफ फिल्में सरेआम बनाना शुरू कर दी हैं। अच्छा। हमारी पाक फौज को फिल्मों में गालियां दी जा रही। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट जानें। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इंसान के जो कर्म होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं उसके फिजिकल एक्शन पे और उसके मेंटल एक्शन पे। गहराइयों से आपके देखने वालों को ना सिर्फ नमस्कार, प्रणाम, सलाम और सत श्री अकाल। और मैं जिस तरह आपको हमेशा अभी भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आई एम वन पर्सन हु लिव्स इन 3 डिफरेंट कंट्रीज ऑन अ डेली बेसिस। आई लिव इन इंडिया मोस्ट ऑफ द डे एंड आई लिव इन पाकिस्तान सम पार्ट ऑफ द डे एंड आई लिव इन यूएस सम पार्ट ऑफ द डे एंड दिस इज हाउ माय डेली रूटीन इज एंड आई लव ऑल दीज 3 कंट्रीज फ्रैंकली फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ओरिजिनली जो ओरिजिन आइडेंटिटी या जिसको भी हम कहें वो तो इंडियन ही है, अगर हम इस बात को एक्सेप्ट करें तो। I have no hesitation. मैं बिल्कुल इसमें ना hesitant हूँ, मैं I'm proud. Matter of fact, that I can call myself Indian. और हम सदियों से, हजारों सालों से वही इकट्ठे रह रहे हैं और हमारी सिविलाइजेशन इज द मोर इवन देन इट्स अ मोर स्ट्रॉन्गर सिविलाइजेशन देन द यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड आई हाईली रिकमेंड माई लिसनर्स राइट नाउ जो वॉच कर रहे हैं लोग टू स्टडी अबाउट द अशोका सिविलाइजेशन, गुप्ता सिविलाइजेशन एंड Indus civilization is very rich history and we are strong intellectually and we have proven abhi main balki isme abhi hum abhi jo baat karenge usme I have been a big advocate since the Modi ji in Jakarta said that 21st century is Asia's century, is Indian century and I'm proud of this G20, I'm proud of Chandrayaan, I'm proud of many things, the big achievements and my hat off for that. दुबई के शेख उनके कदमों में जाके बैठे हैं। सर, क्या वजूहत है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों, क्या वजूहत? एक्चुअली हिंदू जो है ना वहाँ बड़ी मुस्तहकम गवर्नमेंट है और वो अपने लोगों को भी थोड़ा सा फाइनेंशियली भी और मोटिवेट करती है। अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में,
और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे. अच्छा, अ लॉट ऑफ डिफरेंस आई हैव सीन. और इंडिया बहुत छाया हुआ है, उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है. क्यों सर, क्यों? पाकिस्तानी देखना, हर 6 महीने बाद अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा, एक जैसी हुकूमत नहीं रहती. अगर कम से कम एक हुकूमत आए तो 5 साल उसे मौका मिलना चाहिए. तो फिर पॉलिसीज जन बार बार चेंज होती हैं, लोगों को डर रहता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, बड़े डरे डरे रहते हैं. वेयर एज इंडियन जो है ना, वो दे आर ब्रेव और कंपैरेटिवली, इसीलिए वो थोड़ा सा जो है ना उन्हें मोटिवेट करते हैं इंडियंस को, ना चाहे दुबई वाले हों चाहे सऊदी अरब हों. शहजादा सलमान की भी हम मिसाल देख लें, उन्होंने करोड़ों रियाल जो है ना इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने, और वेयर एज यहाँ जो है तिफल तसल्ली होती है. ये दिस इज द डिफरेंस. मजबूत हुकूमत. पाकिस्तानियों की बात करें, वो तो मोदी को गालियां देती हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि वो मजबूत गवर्नमेंट है और उन्होंने दुनिया में अपना नाम बना लिया. नहीं, मतलब यूजुअली उनका होल्ड है, बहुत कम ऐसे होंगे 10-15%, वो तो हर जगह ही होते हैं, कहीं भी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, एंटी और जो है उनके उनके फेवर में होते हैं, सब होते हैं ऐसे. लेकिन मेजॉरिटी हैज अथॉरिटी. क्या समझते हैं सर के पाकिस्तानी कहते हैं कि इनमें ज्यादा जज्बा है या ये ज्यादा अफजल कौम है? क्या आपको लगता है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं जिस तरह से इंडिया ने खुद को ग्रो कर लिया? इट विल टेक टाइम, सर. 76 साल गुजर गए हैं. 15 साल जो है ना, अगर कोई अच्छी हुकूमत आ जाए और वो 5 साल टेन्योर मिले उसे, फिर उसे प्लस 5 साल और मिल जाए, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. जब से पाकिस्तान बना है हम तो सब उम्मीद से ही हैं. हमारा प्रोग्राम भी है, हम सब उम्मीद से, और हमारी उम्मीद नहीं टूट रही. अच्छा सर, मुझे बताइए, फॉर द बेस्ट हम सब उम्मीद से हैं. वहाँ सऊदी और दुबई के अंदर ज्यादा जो है वो अच्छे लेवल पे, अच्छे पोस्ट पे हिंदुस्तानियों को रखा जाता है, क्यों, क्या वजूहत है? वहाँ ना जो दौर है मीडिया का, और थोड़ा सा आप कहते हैं लैपटॉप हैं और दूसरे इसमें आईडी में बहुत तेज़ हैं वो, और उनकी शुरू से ही जो है ना उनकी ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को इंग्लिश के भी, और दूसरा नॉलेज बहुत अच्छा होता है, और बेस उनकी अच्छी बना दी जाती है, तो वो अच्छे तालीमी इदारों में वो जाते हैं. और सिर्फ वहाँ नहीं, मतलब अमेरिका भी मैं होके आया हूँ, वहाँ भी छाए हुए हैं. अच्छा। वहाँ भी छाए हुए हैं, मतलब उसमें जितना भी आप देख लें, काफ़ी बड़ी पोस्टों पे डॉक्टर्स वगैरह भी हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा हैं. आज तक पाकिस्तानी बड़े पोस्ट पे क्यों नहीं नजर आते? सीईओ जितने भी हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, जितने भी सीईओ हैं वो सारे इंडियन हैं, क्यों? क्या हमें वो टैलेंट नहीं है, क्या हमें वो चीज़ नहीं है? टैलेंट की कमी है, और यहाँ जो है ना इदारे जो है वो बस क्या कहें आपको, एक तजारती इदारे बन गए हैं. तजारती इदारे ज़्यादा हैं, और लोग यहाँ से जो है ना तालीम कम, और उसे बाकी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है. आपको पता है, मैं एक स्टेटमेंट सुन रही थी, वहाँ पीएम मोदी ने कहा कि भाई हमारे पाकिस्तान से कोई डिग्री लेके आए तो उसको पार के फेंक दो, क्योंकि उनकी डिग्री, उनकी एजुकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है जिस तरह की वो एजुकेशन अपने बच्चों को देती है. अच्छा, अभी मैं इधर आया था, वीजा के लिए अप्लाई किया था मैं. किस कंट्री के लिए? मैंने सऊदी अरब के लिए. ठीक है. उसके मोबाइल में मेरे पूरे कागजात थे, अभी किसी ने मेरी जेब से मोबाइल निकाल लिया. तो मुझे वीजा नहीं मिला, तो वीजा मिल गया, वो को मोबाइल लेके भाग गया. पाकिस्तान में खून रेजी, खूनी इनकलाब का मैं नक्शा देख रहा हूँ. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC UZ को. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.